फटाफट फिर केश निकाल देती हूँ, ठीक है। फिर के लिए आप लोगों को बताया था, जस्ट शेप दिख रहा है ये वाला बताया, जो शेप दिख रहा है शेप को जस्ट रखती हूँ तो ड्रॉप कर दिया, हो गया बॉडी एरिया। फिर क्या किया हमने, उसके बाद यहाँ पे दिखता है उस बटन खत्म के लिए, बटन जो है से रख के ड्रॉप कर रहा, तो ये बटन को पकड़ा हुआ है। कनेक्ट कैसे कनेक्ट हो, और जब बैल होता है एक रफ आइडिया लगा लिया कि ऐसे ही बनने वाला है, इसके अंदर ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम में भी जब करोगे तीन चार कैरेक्टर जैसे होगी, शैडो तीन चार कैरेक्टर जैसे ही बनाना है, एक रफली आइडिया ले रहे हैं, और कोशिश करना कि पेज का मैक्सिमम एरिया आपका कवर हो जाए फिगर्स को। बैकग्राउंड भले ही दूसरा कुछ हो, कुछ भी टॉपिक दे, फिगर्स को कैप्चर कर ले पूरे एरिया कहाँ कहाँ पे जरूरत है। जैसे यहाँ पे कार्पेंटर का बना रहे, इसके बाद तो जो फेस का बना रहे नॉर्मल हल्के से स्केच कर लो, आईज वगैरह हो गया, लिप्स का लाइन हो गया, हाँ ड्रॉ कर, यहाँ पे कान हो गया, ये पता है ना आईज एंड नोज के लेवल पे कान होता है। आप हेयर को थोड़ा स्केच कर लेते हो हल्के, थोड़ा कलर से करोगे वो तो भी चलेगा, ठीक। परफेक्ट स्केच हो गया। इसके बाद आते हैं कॉलर पे, इसके ड्रेस का जो कॉलर है हल्को से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रेस मतलब इधर पे हाथ हाथ को बना लेते हैं, तो पैर 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 बनाया, तो उस हिसाब से हमें हाथ को भी अरेंज करेंगे, तो पैर और हाथ ही पीछे से जा रहा है तो बताएगा, हाथ का कुछ इस टाइप का ऐसा है, ये साइड से जो कि पीछे की तरफ से आ रहा है और उसको होल्ड कर रहा है, और ये इस साइड से ये वाला, और ये पैर जिसका थोड़ा सा एरिया यहाँ पे दिखेगा, और बाकी ये जो है इधर हाइड हो रहा है। हाँ तो ये पैर यहाँ पे चलो कंप्लीट कर लेते हैं, कार्यक्रम में थोड़ा सा पार्ट दिखेगा, बस है ना, आप थोड़ा सा दिखाया था एग्जाम की बुक की तरह बनाना है, ऐसा नहीं है क्योंकि एग्जाम में आपको ना बुक लिखने वाला है ना कुछ, तो आपका खुद का दिमाग लगा से करना है, कुछ नहीं देंगे वहां पे मेमोरी ड्राइंग, आपको याद करके समझ के आपको करना पड़ेगा, टॉपिक देंगे सिर्फ टॉपिक रिलेटेड, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आपको रेलवे स्टेशन बोल सकते हैं, टी स्टॉल बोल सकते हैं, पानीपुरी वाला हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। इसीलिए मैं बता रही हूँ बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर रखो, ताकि आप कुछ भी ड्रॉइंग में चीज को ऐड कर पाओ बना पाओ। ये वाटर कलर मैं दिखाऊंगी कि कैसे करोगे, ये तो रफ स्केच बना रहे हैं इसका, कि जैसे इसको प्रॉब्लम हो रहा था कि बैकग्राउंड कैसे करें, इसलिए मैंने बोला कि मैं पहले एक बार दिखा लेती हूँ हल्का सा एक ड्राइंग बना के, ताकि आपको इजी हो।
थोड़ा लंबा बनाओ। थोड़ा बहुत ज्यादा तो हो गया, इतना पे आपको कलर करना है, कुछ नहीं लगेगा। जनरली ये बनाने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा लाइन है आप इरेज कर सकते हो, ये सारे बहुत सारे एक्स्ट्रा लाइन है ना वो इरेज कर सकते हो। फिर अगर देखो आपको टाइम नहीं है जस्ट कलरिंग स्टार्ट कर देना रफ स्केच होने के बाद। जैसे सोचो बैकग्राउंड में कुछ अगर ड्रॉ करना है, अभी जैसे ये कारपेंटर का शॉप है, तो कारपेंटर का शॉप में जनरली क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे इस टाइप के स्टोर की तरह आप बना सकते हैं ये बैकग्राउंड को समझाने के लिए। थोड़ा सा कुछ प्लाई वगैरह है पीछे, इस टाइप को मैं दिखा रही हूँ। फिर कोई चेयर रख सकते हो या तो दूसरा कुछ चीज रख सकते हो, मैंने ऐसा एक स्टूल रख दिया पीछे। सोचो इसके बैकग्राउंड में एक विंडो रख दिया, ये सोचो शॉप, एक शॉप तो है ना, तो ऐसा एक विंडो बना दिया मैंने। पूरा तुम्हारे ऊपर है तुम चीजों को कैसे वहां पे ये करोगे। और कारपेंटर शॉप है ये बहुत ही नीट एंड क्लीन रहेगा, ऐसा नहीं है, तो लकड़ी का टुकड़ा वगैरह ऐसे ऐसे पड़े रहेंगे इधर, ऐसे जो यहाँ पे काटे यहाँ पे भी कचरा पड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा अनटाइडी रहना चाहिए। इनफैक्ट इसका जो ड्रेस है इसको ड्रेस को थोड़ा अनटाइडी होना चाहिए। तो कलर जो करोगे आप, कलर चालू करना पूरा बैकग्राउंड से। सोचो विंडो के बाहर दिख रहा है, तो विंडो में थोड़ा सा तू देख पानी से इसको चला लिया। तो दिखाऊंगी एकदम इजी वे दिखाऊंगी आपको, करने के लिए बहुत कुछ होता है बट एकदम सिंपल सा मैं बता दूंगी। कलर में फर्स्ट ये जो लेयर होता है ना, पानी और कलर का क्वांटिटी इक्वल रखना, ताकि आप जल्दी से इसको कवर कर पाओ मैक्सिमम एरिया। केक कलर खरीद लेना, इसके लिए इजी होगा आपको स्प्रेड करना। या तो अगर पोस्टर कलर क्या है, तो पोस्टर कलर अगर बना रहे हो उसका भी ऐसे कलर एंड वाटर का क्वांटिटी सेम रखना बनाने के लिए। ये फटाफट आपका बैकग्राउंड कवर हो जाएगा एक ही कलर में। ठीक इनफैक्ट ये जो बाकी जो चीज है सब में येलो कलर होने वाला है, तो इसमें इसके ऊपर भी अगर ये कलर जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला दो इसके ऊपर भी, क्योंकि मैं ये जितने भी लकड़ी वगैरह जो भी पड़ा हुआ है सब में सेम कलर पहले दे दूंगी। फर्स्ट लेयर का आपका कलर हो गया। फर्स्ट लेयर देने के बाद तुरंत अच्छा कलर अगर नहीं देते हो चलेगा, ये जस्ट इसको यहीं पे छोड़ दो, अभी नीचे आ जाते हैं। ठीक है नीचे चलो, भी फिगर पे आ जाते हैं। फिगर करो ये तो बैकग्राउंड नीचे का पोर्शन कंप्लीट कर दो, तो बेटर होगा अगर बैकग्राउंड को खत्म कर लो उसके बाद फिगर को लेते हैं। तो बैकग्राउंड को कर लेते हैं, बैकग्राउंड में कोई ऐसा कलर देते हैं। मैंने ये यहाँ पे येलो ऑकर था, मैंने थोड़ा ब्लैक के साथ मिक्स करके कलर बनाया, ये मैं देने वाली हूँ। फिर मैं क्या कर रही हूँ देखो, मैं कलर का क्वांटिटी ज्यादा लिया, पानी का क्वांटिटी थोड़ा कम किया है। वहां पे मैं कुछ वुड के जो इफेक्ट होता है ना वैसा दिखाना चाहती हूँ नीचे भी, तो इस टाइप से कुछ लाइन बना दिया मैंने, और बीच बीच में मैं येलो कलर को भी ऐड करूँगी, इसी वजह से मैंने इस टाइप की लाइन दिया है। अगर आप चाहो तो आप सिंगल कलर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ब्रश को देखो कैसा यूज करो, एकदम ऐसे पॉइंटेड ब्रश अच्छा होना चाहिए कलरिंग के लिए, सामने का पॉइंट अच्छा नहीं रहेगा तो कलर में दिक्कत होगी।
जितना भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था सब स्टाइल से लाइन चला के देखने में नदी के जैसा लग रहा है ना। वापस एक्स्ट्रा येलो कलर लेके बीच बीच में जो एरिया है सब जगह पे हम फील कर देते हैं ताकि कलर थोड़ा और वाइब्रेंट लगे। और थोड़ा वुड का इफेक्ट क्या है, फर्स्ट लेवल पे हमने क्या किया था, यहाँ पे उल्टा किया था। जनरली क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग कलर एंड वाटर कलर लेवल सेम रखते हैं, फिर कलर का क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, पानी का क्वांटिटी कम कर देते हैं, एंड थर्ड में क्या करते हैं, कलर का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, पानी का क्वांटिटी और कम हो जाता है, फाइनल लेयर में होता है वाटर कलर। वाटर कलर सी बेस को चलता है तीन लेयर को होता है। तो इसमें हमने क्या किया, काम को जल्दी करने के लिए सेकेंड वाला रूल पहले अपनाया, सेकेंड वाला रूल पहले अपनाया। इसमें कलर का क्वांटिटी ज्यादा कर दिया इधर देखो और पानी का क्वांटिटी कम कर दिया, फिर दूसरा वाले कलर को यहाँ पे ऐड किया। ये इसीलिए दिखा रहा हूँ, सोचो आपके पास टाइम नहीं है आप और आपको वाइब्रेंट कलर भी दिखाना है तो आप इतना जल्दी कैसे कर सकते। बहुत सारा स्पेस हमने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया। देखो इसके ऊपर जब हम लोग दूसरा कलर यूज करें ना, इस पे देखो फर्स्ट वाले लेयर के जैसा ही है, इसमें कलर एंड वाटर लेवल सेम है, जो येलो कलर अभी अप्लाई कर रहे हैं ठीक है। इस वजह से ये सेकंड लेवल पे जो किया था, जो लाइन हमने बनाया था सेकंड लेवल के हिसाब से, वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा, मतलब उस लाइन को स्ट्रेट नहीं कर पा रहा, तो वो स्ट्रांग है काफी पहले वाले से। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, मैं सिर्फ इतना ही कर रही हूँ, बाकी कंप्लीट नहीं कर रही। देखो ये हो गया, इसके बाद जो आपका इस पे अगर कुछ शेडो बनाना है ठीक है, चलो पतला ब्रश लेते हैं, ब्रश चेंज कर लो, छोटे छोटे जगह पे आपको फिर ब्रश चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि विंडो की लाइन वगैरह आप ड्रॉ करोगे तो उसके लिए आपको ब्रश को चेंज करना है, लाइन को ड्रॉ कर दो या एकदम ड्रॉ कर लेते हैं। काफी भी ये है इसमें, देखो जब ये लेयर बना रहे हैं ना, ये भी लोग सेकेंड या थर्ड लेवल पे क्या बताया है कि यहाँ पे कलर का क्वांटिटी ज्यादा होता है, पानी का क्वांटिटी कम होता है, तो ही जाकर आप वैसे प्रॉपर लाइन बना पाओगे। यहाँ पे अगर कलर ज्यादा हो गया तो आपका फैलेगा ज्यादा। आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है पतले लाइन, तो आपका कलर का क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए ठीक है, आइदर सेकेंड लेवल या तो थर्ड लेवल यूज करें। यहाँ पे इतना हो गया, वापस आते हैं कोई दूसरा एक कलर लेते हैं येलो कलर रिलेटेड, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके साथ अप्लाई करेंगे। अभी ये पूरा एरिया ही वुड का एरिया है, वो तो यहाँ पे सोचो हमने कुछ और इसमें येलो का ही दूसरा कोई वर्ड यूज करके हमने कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ कर ली। ये जगह पे ऐसा तो ये भी कुछ पट्टी लगा हुआ इस टाइप का कुछ ऐड कर सकते।
पे फुल टाइप कर सकते, फट गया है, टूट गया है, इस टाइप का कुछ टेक्सचर खा सकते। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करने वाले हो इसको। मैं तो यहाँ का जैसे टेक्सचर होता है, इस टाइप का कुछ टेक्सचर खा सकते। हाँ तो शैडो भी देना है लाइन। तो बनाया हूँ थोड़ा थोड़ा उसी कलर से शैडो दे, जस्ट पानी लिया तो अभी लाइन बनाया था उसके ऊपर से ही थोड़ा थोड़ा चला देंगे तो ऑटोमेटिकली शैडो क्रिएट हो जाएगा। पानी से कुछ नहीं किया, पहले लाइन दे दिया, सिर्फ पानी से तुरंत इसके ऊपर थोड़ा इसको फैला दिया तो शेडो क्रिएट हो गया। ठीक बैकग्राउंड अगर और मजबूत करना है तो कर सकते हो, लेकिन हम लोग बैकग्राउंड में और ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसको हल्का करके छोड़ देंगे। मतलब ये जो समझने के लिए कि बैकग्राउंड में ये कोई कारपेंटर शॉप है ऐसे टूटा फूटा कुछ लाइन वगैरह ऐड करके जो शेडो बना के छोड़ देंगे। बैठ जाओ देखना है तो बैठ जाओ। ये देखो जैसे पानी वापस से दिया, थोड़ा सा में कितने अच्छे से स्प्रेड हो जाए, टेक्सचर भी आ जाएगा और आप अच्छे से कर पाओ। लाइन बनाया था, लाइन को ही थोड़ा सा ब्लर कर दिया तो लाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे तो अच्छा नहीं लगेगा, और अगर ब्लर होता है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओपन रखना है या क्लोज रखना है बताओ। ऐसे रिकॉर्डिंग है, ये हो गया बैकग्राउंड। और नहीं, मेहनत बहुत मेहनत कर लिया हमने, अभी आते हैं मेन कैरेक्टर में। तो आप लोग जब बनाओगे फिगर्स कोशिश कीजिएगा बैकग्राउंड को पहले खत्म कर दो, कलरिंग के टाइम, ड्राइंग के टाइम में क्या करना है फिगर्स को पहले बनाना है। और फिगर्स को कैसे बनाना है, इक्वली सब जगह पे जैसे स्प्रेड हो ना, पेज है पेज को कवर करो, जगह बना दो, फिगर को अच्छे से ड्रॉ करो, उसके बाद टॉपिक क्या है, टॉपिक रिलेटेड जो भी थीम है उस थीम को ऐड करो। कलरिंग के टाइम में भी उल्टा करना है, कलरिंग के टाइम में बैकग्राउंड को पहले खत्म कर लेना, फिर फाइनली आना फिगर्स को। अभी चलो फिगर्स पे शेडिंग चालू करो। सबसे पहले आप काम करो ये स्किन टोन का, स्किन टोन आइदर ऑरेंज से कर सकते हो या तो ब्राउन से कर सकते हो, हमारी मर्जी। तो पहले हम लोग स्किन में भी दो टाइप के काम कर सकते हो, सेकेंड टू फर्स्ट लेयर में जा सकते हो। क्या बताया, तीन लेयर होते हैं वाटर कलर। फर्स्ट लेयर में क्या होता है, कलर एंड वाटर दोनों के क्वांटिटी सेम रहते हैं। सेकेंड लेवल पे क्या होता है, कलर का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाता है, पानी का क्वांटिटी कम हो जाता है। एंड फाइनली थर्ड लेवल पे क्या होता है, कलर का क्वांटिटी ज्यादा होता है एंड पानी और भी कम हो जाता है। तो जब ये स्किन टोन बनाओगे बेटा, आप भी सुन, जब ये स्किन टोन बनाओगे तब सेकेंड लेवल का काम करो पहले। जैसे यहाँ पे डार्क शेडेड एरिया को हम लोग पहले बना लेंगे, जैसे फेस से ब्राउन से, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा नहीं दिया है, जस्ट शेडेड एरिया को हम कवर कर रहे हैं। सामने थोड़ा आना है, आ जाते जा रहे हो तो जहां जहां पे शेडो है वो जगह हम सिर्फ कवर करें। क्या हो गया,
हाथ का भी देखो नीचे के साइड में शैडो होना चाहिए, है ना, ऊपर के साइड में ब्राइट आएगा तो नीचे की साइड में शैडो होना चाहिए, तो डार्क कर लिया। अभी हाथ के ये वाले पार्ट को भी दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर लिया, फिंगर के एरिया की जगह लाइंस हमारे ऊपर है, तुम कैसे दो सकती है, डार्क करना नहीं है, सिर्फ वो जगह पर शैडो होना चाहिए उतना ही आपको ऐड करना है बस। पैर का भी पीछे का हिस्सा ही हो गया, हाँ बना लिया। ये जगह पर वो शैडो ऐड कर के अपना लाइन दे, और इन सब में पत्ता एकदम देखो टिप पार्ट यूज करना, पतला लाइन और ब्लर लाइन तो देना है। का डार्क शेड हमारा डार्क एरिया का काम था कर लिया। इसके बाद ब्रश को क्लीन कर लो। आपको भी क्या चाहिए, एक आइदर स्किन कलर पॉसिबल है तो स्किन कलर लो, नहीं तो ब्रश को जस्ट क्लीन करो और इसके साथ थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करो, जहां पे ब्राउन खत्म हुआ है उसके नीचे थोड़ा थोड़ा ऑरेंज दे दो। देखो जहां पे ब्राउन खत्म हुआ है फिर उसके नीचे ही मैं दे रही हूँ, ठीक है, तो दे रहे हैं वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जस्ट जहां पे ब्राउन खत्म हुआ उसके ठीक पास में ही ऐड कर रहा। थोड़ा ऑरेंज को ऐड कर दो, इसपे अगर जो अभी व्हाइट एरिया दिख रहा है आइदर इस पे अगर व्हाइट थोड़ा ऐड कर दो तो ये थोड़ा और उभर के दिखेगा। अगर आपको प्लेन छोड़ना है तो सिंपली आप नॉर्मल पानी से इसको मिक्स कर सकते। एक होता है ओपेक स्टाइल जिसमें कि हम लोग और भी कलर को ऐड करके इसको और थोड़ा पॉपअप करके लेके आते हैं, लेकिन अगर सिंपली आप वाटर कलर बोलो तो हम लोग इसको सिंपली छोड़ देते हैं, जस्ट एंड में थोड़ा पानी से इसको ड्रैग कर लेते हैं, परफेक्ट शेप आएगा। ये देखो ये यहाँ पे भी क्या करे थे, तो एंड जो एरिया था उस पे हम लोग पानी लेकर सिर्फ ड्रैग कर रहे, तो देखो एंड वाला हिस्सा है दो कलर मिक्स किया, एक खत्म हुआ था दूसरा चालू किया, और दूसरे का जो एंड हिस्सा है उस पे हम लोग पानी देके ड्रैग कर रहे हैं। आप अगर कंप्लीट पूरे में पानी देके ड्रैग करोगे तो पूरा कलर ही बिगड़ सकता है, कोशिश कीजिएगा जो एंड वाला हिस्सा है उससे कलर को ड्रैग करो, तो आपको जैसा थोड़ा शाइन इफेक्ट चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। ये पोर्शन थोड़ा डार्क होना चाहिए, मैं यहाँ पे डॉट कलर को ऐड करूँ, शैडो ज्यादा होना। समझ आया, तो इतना एरिया तो हो गया स्किन पर। आते हैं इसके ड्रेस पे, ड्रेस पे बताओ कोई कौन सा कलर दे, तू मेरे दे चल। तो अभी सेकंड लेवल से चालू करते हैं, वही जैसे स्किन में हमने चालू, तो ये वाला ऐड करते हैं,
स्पेशली जो शेडेड एरिया है वो जगह को हम लोग कवर करेंगे, फिर ड्राइंग को ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है, सिर्फ शेडेड हिस्से को कवर करेंगे हम ये लेवल पे भी। ये सेकंड लेवल पे वाटर कलर का जो सेकंड लेवल का रूल है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ड्रॉ कर लिया, और इसका शैडो होना चाहिए। ये जस्ट ब्लू को दिया, अभी को थोड़ा सा हम लोग स्प्रेड कर देते हैं। और ना कोई कोई जगह जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा लाइट हो गया है, तो यहाँ पे डार्क जाना चाहिए, तो मैं थोड़ा डार्क ब्लू भी इसमें ऐड कर रही हूँ। हाथ के नीचे थोड़ा डार्क होना चाहिए ना, इतना हुआ। इस बार ब्रश को क्लीन कर लेते हैं। अभी जो खाली एरिया है वैसे ही सेम रूल फॉलो होगा। देखो कलर का जो एंड हिस्सा है वहां से हम लोग कलर को थोड़े थोड़े स्प्रेड करेंगे, ताकि इसमें थोड़ा व्हाइट भी विजिबल हो और ये कलर भी थोड़ा सा ब्लर हो जाए एंड वाला हिस्सा। ठीक है, समझ आ रहा है? कॉलर में अगर थोड़ा शेडो देना है तो आप दे सकते हैं, हल्का ऐड करके। ये हो गया हमारा शर्ट। शर्ट पे और कुछ चेंज करना है या कॉलर पे कुछ अलग करना है तो आप कर सकते हो। बोलूंगी कि इसको व्हाइट ही रखो। बट बटन वगैरह हम लोग ऐड कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा ब्लैक दे सकते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाले हिस्से में शेडो है उसके लिए ब्लैक को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ये दिख नहीं रहा है, नहीं तो थोड़ा ब्लैक ना ऐड कर दे सकते। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक भी ऐड कर देते हैं। चलो अभी दिख रहा है, तो ब्लैक जब लिया ही है तो इसके हेयर का भी कलर कर लेते हैं। हेयर को भी नॉर्मली कुछ ये नहीं है, नॉर्मली आप ब्लैक को यूज कर सकते हैं, जैसे हेयर के लाइंस वगैरह वैसा आप ड्रॉ कर सकते हो। पतले ब्रश से, पतला ब्रश यूज करके आप अगर लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप से तो कर सकते हो, या तो कंप्लीट ब्लैक भी दे दोगे तो भी चलेगा। तो ब्लैक थोड़ा हमको स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप लाइंस बना पाओ। मतलब यहाँ पे आइदर सेकंड लेवल या तो थर्ड लेवल यूज करोगे वाटर कलर लाइंस बनाने के लिए हेयर को। ठीक है, अभी आईब्रो भी बना लेते। आईज है।